दोस्तों, किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, मन ही मन को जानता मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वाह, इसीलिए खुद पर विश्वास रखिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, फिर देखिए जीवन में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है सुप्रभात धरती धोरारी। मैं हूं आप सभी के साथ आप ही की दोस्त प्रज्ञा, और मैं तरुण व्यास। सुप्रभात धरती धोरारी जब शुरू हुआ है सुबह सुबह, तो पॉजिटिव बातों से हमेशा शुरू होता है, और जहां मन की बात आती है तो कहते हैं कि मन का प्रशासन रखिए तो तन का प्रशासन अपने आप हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो दिमाग है उसकी मत सुनिए, दिल की सुनिए, क्योंकि दिल हमेशा सही कहता है। और आज ऐसे मेहमान हमारे साथ में हैं जिन्होंने दिल की सुनी, और जब दिल की सुनते हैं तो आदमी सफल जरूर होता है। तो एक सफल महिला हमारे साथ में है, आप शिक्षाविद हैं, आप समाज सेविका हैं, और आप प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं। आप हैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत सुप्रभात धरती धरारी पर। धन्यवाद सर। प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति, ये तो हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाट, चारों तरफ पेड़ पौधे और सब चीज देखते हैं, तो अपने आप एक तरीके से वो चिकित्सा होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्राकृतिक चिकित्सक की सुबह वो कैसी होती है जरा बताएं। सर आपने बता ही दिया, जैसे एक्सप्लेन तो कर ही दिया आपने कि एक चिड़ियों की चहचहाट जो होती है वहीं से हमारी जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण ही नेचर है, और वही नेचुरोपैथी है जी। जो हमारा नेचर है, आप उसको आसपास पेड़ों पेड़ मान लीजिए, जो हमें सुबह सुबह एक ठंडी हवा, ताजगी वाली हवा, फ्रेश हवा देते हैं, वहीं से दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने लगती है जी। मेरा मानना यह है कि हम सुबह अगर जल्दी उठ के आधा घंटा भी अगर वॉक करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट या बहुत लाभदायक होता है। तो हाँ, मेरी शुरुआत वहीं से होती है कि सुबह मैं उठती हूँ, गार्डन में जाती हूँ, फ्रेश हवा लेती हूँ, और वहाँ से शुरू होकर अपने बच्चों के बीच चली जाती हूँ और उनकी मुस्कुराहट के साथ अपनी अपनी मॉर्निंग को एंजॉय कर। बहुत बढ़िया स्नेहलता जी, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन तरुण एक समय होता है जो हम कभी भूल नहीं सकते, वो होता है हमारा बचपन। और आप तो खुद शिक्षाविद हैं, बच्चों के बीच में रहती हैं, उनके बचपन को जीती हैं, लेकिन अगर बात करें स्नेहलता जी के बचपन की, तो कैसा था आपका बचपन? बचपन देखिए सभी का बहुत अच्छा होता है और हम उसे बहुत मिस करते हैं जी। बचपन में हमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, कोई मतलब हम परेशान नहीं होते, चाहे वो धन से मान लीजिए, किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारे पास कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, तो हम उसके लिए बर्डन नहीं होता हमारे अंदर, और हम बहुत खुली जिंदगी जीते हैं। और वो ही मैंने जी है, ऐसा नहीं है। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी आपको कि मैं सात भाई और मैं आठवें नंबर की एक ही बहन रही हूँ, बहुत लाडली रही हूँ मेरे भाइयों की, तो उन्होंने मुझे कभी कोई मतलब परेशानी महसूस नहीं होने दी, कभी मुझे कोई कमी महसूस नहीं होने दी। तो मैंने अपना लाइफ जो बिताई है, और स्कूल लाइफ जिसको कहते हैं, वो तो शायद कभी भूल नहीं सकती। आज स्कूल में पढ़ाती हूँ तो भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीती हूँ। बार बार वो पल याद आते हैं जब बच्चों के बीच रहती हूँ, वो शैतानी करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ बेटा शैतानी करो, शैतानी करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बदतमीजी मत करो जी। बिल्कुल, यहाँ पर अब जब बचपन की बात चल रही है जी, तो कोटा भवानी मंडी से आप बिलोंग करती हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो जब वहाँ की जब स्कूल थी, अभी तो आप बच्चों को कहते हैं कि शैतानी करो बेटा, बदतमीजी मत करो, लेकिन आपके टाइम में आप कितनी शैतान रही हैं? सर भवानी मंडी में मेरा जन्म हुआ, कोटा जिले में जो आती है वहाँ पर। वहाँ मैंने स्कूलिंग नहीं की, स्कूलिंग मैंने जयपुर से स्टार्ट की जी। वहाँ मेरा बचपन 3 साल तक ही गुजरा, जब मैं 3 साल की थी। उसके बाद जयपुर जब आए हम लोग, तो मैंने एलकेजी क्लास का मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं एलकेजी क्लास में पढ़ती थी और मेरी प्रिंसिपल मैम मुझे शताब्दी कह के बोलती थी। अच्छा। हाँ, वो शताब्दी इसलिए कि मेरे बड़े भैया शताब्दी बोलते थे, मैं सात भाइयों में एक ही बहन थी। अच्छा। तो वो मुझे शताब्दी बोला करते थे, तो उस समय मेरा नाम शताब्दी ही उन्होंने रख दिया। और वो प्रिंसिपल मैम बोलती कि शताब्दी तुम एक पोयम सुनाओ। तो पहली बार जो मैंने पोयम सुनाई वो मुझे आज तक याद है कि टन 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 टेलीफोन, हेलो फोन किया है कौन, ये तो पापा की आवाज, पापा जाना आज बाजार, टॉफी लाना 1,500। तो वो जो समय था ना, उसको मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ।
और मुझे बताया कि उस समय स्कूल में फ्रूट्स मिलते थे 15 अगस्त 26 जनवरी पे, तो मुझे एक अमरूद की जगह 2 अमरूद मिले थे। तो वो पल जो था, वो समय था, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल वो तो जी, यादें कभी भुलाई नहीं जा बिल्कुल, सकती। वो हमेशा आज मैं जब स्कूल में पढ़ाती हूँ, देखती हूँ बच्चों को, तो जो LKG के बच्चे जो चीज करते हैं ना, तो मुझे अपना बचपन याद हो जाता है। और मैं वही चीज करती हूँ कि अगर किसी को एक चीज देनी होती है तो मैं उसको डबल देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो मुझे मिली थी तो इन बच्चों को क्यों बिल्कुल। नहीं। लेकिन इसलिए ताजी बोलते हाँ हैं कि जी जहाँ ख्वाहिशें हैं वहाँ कुछ निराशाएं भी हैं। जी जीवन उतार चढ़ाव का नाम होता है, बिल्कुल और उतार चढ़ाव से गुजर के ही इंसान मजबूत बनता है, जीवन को जीने की कला सीखता है। बिल्कुल। आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसे पल आए जब आपने जीवन को जीने की कला को सीखा हो? देखिए, बहुत सारे ऐसे पल आए। अगर मैं शुरुआती दौर के लिए बोलती हूँ आपको, तो सबसे हम जब रोड पे जाते हैं तो बहुत सारे ब्रेकर आते हैं और बिल्कुल उन्हीं से हम गाड़ी चलाना सीखते हैं। जी तो इसी तरह से मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ब्रेकर आए और बहुत बड़े बड़े ब्रेकर आए, लेकिन शायद ही मान लीजिए आनुवंशिक गुण मेरे अंदर ऐसे थे कि मैंने कभी हार नहीं मानी जी उन चीजों को। फर्स्ट जो था, मैं 4 साल की थी, LKG क्लास मैंने क्लियर की भी नहीं थी शायद, और मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। जी तो वो जो समय था, खैर मैं उस समय जानती नहीं थी क्या माँ होती है, क्योंकि बहुत छोटी थी। आज मुझे अगर दिखाया जाए तो मुझे कल्पना याद है, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि उनकी शक्ल कैसी थी। जी मैं कल्पना बुन सकती हूँ कि मेरी माँ ऐसी थी, मेरी माँ ऐसी थी, या लोगों से सुनती हूँ, मेरे गाँव में जाती हूँ तब वो लोग मेरी माँ की बात करते हैं, तो मैं कल्पनाएं बनाती हूँ कि मेरी माँ ऐसी रही होगी, मेरी माँ ऐसी रही होगी। उस जमाने में फोटो भी नहीं हुआ करती थी, जी तो हमारे पास मदर की फोटो भी नहीं है, एक बहुत ग्रुप फोटो थी उससे स्केच करवाया हुआ है। अच्छा तो मतलब बस उसको देखते हैं तो लगता है कि माँ बहुत सुंदर रही हैं, बहुत प्यारी रही हैं, बहुत कलात्मक रही हैं, और बहुत ज्यादा उनमें मतलब एनर्जी रही है। बहुत उन्होंने, क्योंकि वो एक महाराष्ट्रियन थी, जी महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, तो उनमें बहुत टैलेंट मतलब ये मान लीजिए इतना था कि 5 भाषाओं पे तो उनका कमांड था। क्या अच्छा बात। हाँ, उन्हें मराठी आती थी, उन्हें गुजराती आती थी, उन्हें हिंदी आती थी, उन्हें इंग्लिश आती थी। उस टाइम की वो मतलब पहले 10th क्लास, आज 10th क्लास कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उस समय 10th क्लास को एक बहुत ग्रेजुएशन से भी ऊपर जी माना जाता बिल्कुल था। जी तो उस समय उनके पास साइंस थी, और उस समय 9th में आई थिंक 9th या 6th में कुछ साइंस ले लिया करते थे। और मेरी मम्मी का मतलब जब जैसे BMT में सिलेक्शन होता है, इस तरह से कुछ सिलेक्शन हो चुका था, अच्छा लेकिन मैरिज के खातिर उन्होंने अपनी उस जी चीज को, जर्नी को आगे नहीं रखा, और मेरे पापा के साथ राजस्थान आ गई। तो तो मम्मी की जो आपने याद बताई, वो तो मम्मी जो आपके अंदर, आप कहते हैं मेरी ताकत जो है, हाँ जो आज बिल्कुल मैं जो भी बिल्कुल हूँ, तो बिल्कुल आपने मम्मी को उसका श्रेय दिया। वास्तव में ये हर हाँ बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि माँ हाँ ही सबसे पहली टीचर होती है, शिक्षक बिल्कुल होती है। बिल्कुल। मैंने माँ को देखा नहीं, लेकिन उसके बाद मैं सुनकर मुझे लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक रही है। क्या बात है। तो अब यहाँ पर पिताजी की बात कर लेते हैं लगे जी हाथ। किसान रहे आपके पिताजी, जी बिल्कुल। वो जो बचपन में उनकी तरफ से क्या इंस्पिरेशन और क्या रही? उनकी तरफ से इंस्पिरेशन सर, आज अगर मैं बोल्ड हूँ, कई जगह मैं अपने निर्णय ले लेती हूँ, कई जगह मैं कठोर हो जाती हूँ, वो सब उन्हीं की देन है। क्योंकि जीवन में सब तरह के सिचुएशंस आती हैं हमारे पास, कुछ निर्णय हमें कठोरता से लेने पड़ते हैं और कुछ निर्णय हमें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से लेने होते हैं। जी तो जो कठोरता वाली अगर चीज मैं बोलती हूँ, जो निर्णय लेने वाली चीज होती है, जहाँ मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है, वहां मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि आज अगर मेरे अंदर जो पावर है वो उन्हीं की वजह से है। जी बिल्कुल। स्नेहलता जी, जब एक लड़की जवानी की दहलीज पे पैर रखती है हाँ तो जी अपने जीवन के सपने देखती है, आने वाले जीवन साथी के सपने देखती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने कभी सोचा कि मेरे जीवन साथी में ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए? किस तरह आपकी देखिए, शादी आपको हुई? एक बहुत प्यारा सा जी इंसिडेंट शेयर करती हूँ मैं, जी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताया। आज पता चल जाएगा हाँ जी, मुझे। तो मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की 8th तक। दरअसल क्या, हमारी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। पापा की कोई सिचुएशन के कारण कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों का मतलब एकदम डाउन हो गया, और मेरी फीस जमा नहीं हो पाती थी। स्कूल से रेगुलर फोन तो नहीं थे उस समय, लेकिन रेगुलर मुझे निकाल दिया जाता था, और बाहर स्कूल क्लास के बाहर खड़ी होकर मैं ये सोचती थी कि काश मेरे फीस मम्मी होती। होती या फीस होती तो शायद मैं पढ़ पाती। तो 8th तक जब मैंने पढ़ाई की, खैर मेरे भाइयों ने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मेरे भाइयों ने बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी,
लेकिन मुझे पढ़ाया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ ऐसा करूं। तो और मैं बहुत लाडली रही, लाडली का मतलब है आप समझ सकते हैं कि 7 भाइयों के बाद अगर मैं एक बहन हुई हूँ तो उनके लिए तो एक मतलब खिलौना की तरह थी, कि वो मुझे बहुत संभाल संभाल के रखते थे। और तो उस समय क्या होता था कि मैं स्कूल में, जब सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, बहुत सारी लड़कियां आपस में बैठती थी गोष्ठी करने के लिए। तो गोष्ठी में यही बात होती थी कि अरे स्नेह, मुझे स्नेह नाम से पुकारा जाता था, कि स्नेह ये बताओ कि तुम्हें है ना कैसा जीवन साथी चाहिए। तो मैं कहती कि तुम बताओ तुम्हें कैसा चाहिए। तो सब लोग बोलती कि स्मार्ट चाहिए, हैंडसम चाहिए, इस तरह का चाहिए, कई कहती पैसे वाला चाहिए, कई मतलब सबका अपना अपना एक व्यू होता था। लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो मैं एक ही बात बोलती थी कि मुझे मेरा हस्बैंड ऐसा चाहिए जो मेरे चेहरे पे स्माइल बन के रहे, जो मुझे कभी रोने ना दे। और ये चीज ईश्वर की कृपा है कि मुझे आज ऐसा ही जीवन साथी मिला है कि वो मुझे कभी रोने नहीं देता, वो कभी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकते हैं। मतलब एक पुरुष का हाथ, मैं मानती हूँ कि कहते हैं कि एक सक्सेस महिला के, एक सक्सेस पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, मैं मानती हूँ एक सक्सेस महिला के पीछे आदमी का हाथ भी होता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब मैं बात उस और चलता हूँ, जो गांव के परिवेश की ओर चलता हूँ। हाँ, जहाँ से बहुत चीजें सीखने को मिल सकती है सभी को। और अभी जैसा हमारे पूरे भारत में अभियान है शौचालय के हर जगह पर, एक जागरूकता अभियान है, तो गांव में आपके साथ में भी वैसा हुआ करता था, तो उस बारे में बात शेयर करें। नहीं, दरअसल अब तो काफी चीजें सुधर चुकी हैं हर जगह। जी, मेरी शादी बहुत ही जल्दी हो गई थी, मैंने मतलब 18 साल कंप्लीट किए थे और 19वें में लगी थी, तभी मेरी शादी हो गई थी। और शादी जहाँ हुई थी वो गाँव ही है, पास ही है दिल्ली बाईपास पे, वहाँ पे हुई। तो ऐसा नहीं है, मेरे जो ससुराल वाले थे संपन्न परिवार था, वहाँ टॉयलेट वगैरह था, लेकिन आसपास का जो पड़ोस का माहौल था वो ऐसा ही था कि बाहर जाया करता था। क्योंकि मैं आपको 22 साल पहले की बात बता रही हूँ, मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, तो मैं 22 साल पहले की आपको बात बता रही हूँ। तो आज मतलब नाला वगैरह इस तरह की चीजें हुआ करती थी, वहां पर लेडीजें लोटा लेकर और शौच के लिए जाया करती थी, ये सब चीज हुआ करती। तो मुझे मतलब वो जाती थी और मुझे अजीब सा लगता था, क्योंकि मैं सिटी के परिवेश में रही हुई थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था जब आस पड़ोस की लेडीजें बोलती थी कि बहू बोलते थे, तो मैं बोलती थी कि अम्मा जी थे मज्जा वो करो उंड थे मत कर वो करो यहाँ, तो मतलब मुझे राजस्थानी भाषा में ही बोलते थे वहाँ, तो मैं यही बोलती थी कि थे यहाँ मज्जा वो करो चोको कौन ला गए को देख ले तो काये वो लोग, मतलब इस तरह की बातें हम लोग मैं उनको बोलती थी। तो बोलते अच्छा तू तो ज्यादा पढ़ी लिखी चाहिए ले तू लेक्चर दे हो मानो। तो मैं ऐसे कहती भाई पढ़ी लिखी की बात को ना, या तो सबके लिए बढ़िया बात है। तो इस तरह से हम लोग कहते थे। और आज ये स्थिति है कि हर घर में शौचालय, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात हुई है, इसके लिए सभी को धन्यवाद है जो इसकी ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आप उस समय 22 साल पहले आप ये सीख देती थी, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज के लिए। बिल्कुल। अब जब आप आगे गांव से जयपुर की ओर आ गए, तो शिक्षा की तरफ कदम रखा, शिक्षाविद है आप, तकरीबन इतने सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में है, जरा उस बारे में बताए कैसे एंटर होना हुआ। देखिए मेरी शादी 95 में हुई और 99 में मैं वापस जयपुर आई। जब 99 में जयपुर आई तो 2000 में मुझे मेरा बेटा, मतलब पहले मुझे एक बेटी है उसके बाद एक बेटा, 2000 में हुआ। तो मेरे हस्बैंड पहले से स्कूल चलाते थे, मेरे हस्बैंड को लगा मेरी काबिलियत उनको पता लगी ये मान लीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप स्कूल में आया करो। मैं धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा जैसा मुझे टाइम मिलता था वैसे मैं स्कूल में आने लगी, ऑफिस में बैठने लगी, पेरेंट्स से मिलने लगी। मेरे हस्बैंड को अच्छा लगने लगा कि आप बहुत अच्छा काउंसलिंग कर लेते हैं, आप अच्छा बहुत पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं, आप क्लास बहुत अच्छे से ले लेते हैं। दरअसल मैं हिंदी लिटरेचर से रही हुई हूँ, तो समझाने का तरीका शायद मेरा अच्छा लगा मेरे हस्बैंड को। तो वो मुझे बार बार ये कहते कि तुम स्कूल में बैठा करो और मेरी मदद करो, साथ में मेरे साथ में मिलकर काम करो। तो इसी तरह से मेरी एंट्री हुई और मैं धीरे धीरे स्कूल संभालने लगी। फिर आपने बीएड भी किया? हाँ जी, मैंने सेकंड ईयर में मेरी शादी हुई, उसके बाद मैंने फाइनल किया, फाइनल के बाद मैंने डबल एमए किया हिंदी से पॉलिटिकल से, उसके बाद मैंने 2007 में बीएड की।
जी तो पहले तो मैंने स्कूल स्टार्ट किया आना जाना, उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे लगा कि प्रिंसिपल कोई और है और हमें किसी और को हायर करना पड़ रहा है और उसके अंडर में रहना पड़ रहा है, तो मुझे लगा जी कि क्यों ना मैं कर लूँ, जी तो मैंने खुद ने फिर बीएड करी, जी इस तरह मतलब से आपने स्टार्ट किया। देखो प्रज्ञा, मतलब अपनी चीज अपने आप को पाने के बिल्कुल लिए, वो जो योग्यता हासिल करने के हाँ लिए जी आपने हर जगह स्ट्रगल किया। बिल्कुल जी और यहाँ पर प्रज्ञा के मन में बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हाँ बिल्कुल। हैं। मैं स्नेहलता जी, आप बच्चों के बीच में रहती हैं, हाँ जी बच्चे बहुत तरह की डिमांड भी करते हैं, बहुत तरह के सवाल भी करते हैं, बहुत कोमल मानसिकता के होते हैं, हाँ जी किस तरह से उनकी मानसिकता को आप पढ़ती हैं और किस तरह उनको समझाती हैं, काउंसलिंग किस तरह करती हैं बच्चों की? देखिए मैम, बच्चे भगवान का रूप होते हैं बिल्कुल ये हम जानते हैं, और सचमुच भगवान न बच्चों के क्या, वैसे तो हर इंसान के अंदर बसे हुए हैं, लेकिन जी बच्चे का मन साफ होता है तो हमारा मानना ये है कि बच्चे में ही भगवान का पूरा रूप होता है। जी और बहुत जगह हम लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किया है, जब हम बच्चों जी के बीच में रहते हैं तो ये सब चीज़ें हमें पता भी लगी है कि जो हम सुनते थे वो सही है। तो जब मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ तो बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं। एक बच्चा था और वो 10th क्लास का बच्चा था, जी तो जब भी मैं कोई बात करती थी तो वो बीच बीच में कोई भी सवाल पुटअप कर लेता था। तो मेरे एक दिन उसने बोला कि मैम आप कहते हैं कि दहेज प्रथा बंद हो जानी चाहिए, जी मतलब उसने एक दहेज की बात को लेकर, कि मैं दरअसल कुछ ट्रेडिशनल कुछ समझा रही थी उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं दहेज प्रथा बंद हो जानी चाहिए, तो आप कहते हो कि रस्म होती है ये होती है, तो उस चीज के लिए आप जो बोलते हैं तो वो सही है क्या? तो मैंने उसको एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया, मैंने कहा बेटा रस्म होना गलत नहीं है, दहेज और रस्म में भी बहुत अंतर है। जी अगर हम एक नारियल किसी को शगुन में देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर 1 लाख रुपए रख के देते हैं तो वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें हैं। एक बच्चे ने सवाल किया कि आप हमेशा कहते हैं कि मंदिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होता है, जो है हमारे अंदर है, हमारे अंदर बसा हुआ, फिर ये मंदिर मस्जिद क्यों बने हुए हैं? तो मेरे दिमाग में आया कि बिल्कुल उसने सही सवाल किया, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारा हर जगह हर वातावरण में ईश्वर बसे हुए हैं। तो जी उन्होंने कहा कि, मैंने कहा बेटा अगर मंदिर और मस्जिद नहीं होते, गुरुद्वारे नहीं होते, जी तो लोग ये मान लीजिए कि भगवान को मानते ही नहीं। जी अगर वहां पर लोग हैं तो अपने खुशी की तलाश में, अपने बात को बताने के लिए, अपने डिमांड करने जी के लिए एक जगह उपलब्ध करवाई गई है। जैसे आप स्कूल आते हैं, अगर आप स्कूल नहीं आते तो घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा जी नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपका जगह, माइंड जो है वो घर पर विचलित रहेगा, घर इसीलिए पर कहते आप हैं उसको, स्थानम प्रधानम, हाँ जो बिल्कुल स्थान है उसकी प्रधानता होती प्रधानता है और है वो वहीं पर चीज ग्रहण की बिल्कुल। जा तो मैंने सकती कहा है। आप अगर स्कूल आते हैं 5 घंटे में, तो आप 5 घंटे आकर यहाँ सिर्फ पढ़ाई को ही टाइम देते हैं, इसी तरह से अगर हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो हम ईश्वर को ही टाइम देते हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह से बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें देने होते हैं। आप आध्यात्म से भी जुड़ी हैं, आप ईश्वर के करीब इस तरह से चली जाती हैं कि नेचुरोपैथी की ओर बिल्कुल आपने रुख कर लिया हाँ जी और एक शिक्षा से बिल्कुल डिफरेंट क्षेत्र में आ गए, चिकित्सा के क्षेत्र में आ गए आप। हाँ जी एक तरफ टीचर रहे और एक तरफ आप चिकित्सक बन गए, हाँ तो जी उसकी ओर कैसे रुझान हुआ, क्या वो टर्निंग पॉइंट था कि आप प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बिल्कुल। बढ़े? दरअसल सर 2007 की बात है, मेरे से एक एक ब्रेकर और आया मेरी लाइफ में, मेरे जी बड़े ब्रदर एक्सपायर हुए, और बहुत ही मतलब ये मान लीजिए हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो इतनी जल्दी चले गए। उस समय मुझे थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं बहुत टेंशन में रहा करती थी, जी तो मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सुना था कि वहाँ बहुत ही अच्छा इलाज होता है। इलाज होता है, तो मैं वहाँ गई थी इलाज के लिए। और रियल में आप, मैं आज आपको इस स्टेज के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि सचमुच एक इतना अच्छा इलाज है कि शायद इसके मुकाबले कोई इलाज हो ही नहीं सकता। जी तो मैंने सभी जगह ट्राई किया, एलोपैथिक में भी किया, मैं ये नहीं कह रही सबकी अपनी अपनी जगह है, तो लेकिन मैंने नेचुरोपैथी से बिना दवाई लिए बिना कुछ किए और मैंने अपने आप को सही पाया, क्या बात। तो जो वो चीज थी उसके बाद मैं उससे इतना प्रभावित हुई कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कर लूं। मेरे अंदर हमेशा एक ये चीज रही है कि दिल की जिस, सुनते थे हाँ आप। मैं को जब बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि ये चीज, तो मुझे लगता है मैं क्यों नहीं सीख लूं, मुझे में सीखने की ललक हमेशा रही है और आज भी है, और जी वो ही चीज की वजह से मैं चिकित्सक बनी। जी कि मैं जब वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने वहां पूछा डॉक्टर साहब को, मैंने कहा सर मुझे ये चीज करनी है,
फॉर्म मिल रहे हैं, आप फॉर्म फिल तो करिए। क्या योग्यता होती है, कैसे आपने किया और कोई करना चाहे तो उसको? हाँ जी, योग्यता तो देखिए, आपने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा का आपने सहारा लिया था, वहाँ दवाइयाँ नहीं दी जाती। हाँ जी, तो और क्या अल्टरनेटिव यूज किए जाते हैं? देखिए वहाँ पे जो यूज किया जाता है मेन, तो आप सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश हवा की तो आपको वो बोलते ही हैं कि फ्रेश हवा लीजिए, 15 मिनट आप बैठिए बिल्कुल शांति से और ज्यादा से ज्यादा शांत वातावरण में मेडिटेशन कीजिए। जी जी, तो वो चीज है। उसके बाद वो लोग जो सुबह का जो उनका रूटीन होता है, आप मतलब इतना अच्छा रूटीन होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो, कि मिट्टी पट्टी लगाई जाती है कि हमारे पेट में जो गर्मी होती है उस गर्मी के लिए एक ठंडी मिट्टी पट्टी लगाई जाती है। अच्छा। उससे हमारा पेट इतना ठंडा, इतनी ठंडक हो जाती है कि हम बहुत रिलैक्स महसूस होते हैं। कई तरह के स्नान करवाए जाते हैं, जैसे मड स्नान, आपने पहले देखा होगा, आज हम शैम्पू यूज करते हैं और बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पे एक मड स्नान करवाया जाता है कि मिट्टी के द्वारा स्नान जी। तो वो मिट्टी के द्वारा स्नान के बाद अगर आप 1.5 घंटे उस मिट्टी को लगाकर रखते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उतना फ्रेश कभी भी किसी भी केमिकल को या किसी भी शैम्पू को लगाकर महसूस नहीं करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनना इस बारे में, क्योंकि हम जानना और चाहेंगे और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे, इसके टिप्स के बारे में जानेंगे जो घरेलू उपचार है उनके जरिए कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आहार पर ये डिपेंड है। तो चलिए ये सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि मंदिर की बात आपने की थी, चलते हैं एकलिंग जी के मंदिर, दर्शन करते हैं उनके और कहते हैं पधारो हमारे देश। तो दोस्तों ये तो हमने दर्शन किए एकलिंग जी मंदिर के, एक बार फिर से लौटते हैं सुप्रभात धरती धौरारी के इस मंच पर और आज हमारे साथ हैं प्राकृतिक चिकित्सक और शिक्षाविद डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज। स्नेहलता जी, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि तरुण ने बताया था कि आध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान है और आध्यात्म की तरफ हमें जो मार्ग दिखाता है आध्यात्म का वो होता है गुरु, और गुरु के लिए कहा भी जाता है कि गुरु बिन मिले ना ज्ञान और ज्ञान बिन हृदय सुना। आपने अपने जीवन में किन को अपना गुरु माना, किन गुरुओं का आपको सानिध्य मिला? देखिए प्रज्ञा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, गुरु तो हमारा हर वो इंसान है जिससे हमें सीखने के लिए मिले मिलता है। एक बच्चे से भी हम सीख सकते हैं और एक बुजुर्ग आदमी से भी हम सीख सकते हैं जी। तो सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है और सीखने के लिए किसी उम्र की जरूरत भी नहीं होती है जी। सिखाने के लिए तो वो अपनी जगह है कि मैं अपनी माँ को भी अपना टीचर मानती हूँ, मैं अपने पिता को भी मानती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी मानती हूँ और मैं अपने हस्बैंड को भी मानती हूँ और मैं अपने परिवार के लोगों को भी मानती हूँ। लेकिन अगर मैं जिस पे पूरी तरह एक स्थिरता मानती हूँ और मैं जो भी मेरे मन की बात है वो कह पाती हूँ या अपनी बात बता पाती हूँ, तो वो मेरे गुरु हैं गणेश जी। शायद आपको सुनकर बहुत ताज्जुब होगा इस बात का कि आपने कई लोगों से आपने सुना होगा कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, लेकिन मेरे गुरु को मैं साथ लेकर आई हूँ, ये गणेश जी मेरे गुरु हैं, मैंने हमेशा हाथ में रखती हूँ और कभी भी कोई परेशानी आती है, कभी भी मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं इनको बहुत याद करती हूँ। ऐसा नहीं है, कहते ना सुख में और दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। तो मैं इनको सुख और दुख में हमेशा मेरे साथ रखती हूँ। मैं खुश होती हूँ तो इनका धन्यवाद करती हूँ, मैं दुखी होती हूँ तो इन्हें परेशान भी करती हूँ, इन्हें कहती भी हूँ, रोती भी हूँ और बोलती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम्स दूर करें, और मुझे इनसे हिम्मत मिलती है। और रियल में मतलब मैं आपसे बहुत अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ कि एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि जिसको मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे लगा कि मैं क्या करूं मैं क्या करूं, और मैंने एक लेटर लिखा गणेश जी के नाम से। अच्छा। लेटर लिखकर और लेटर मैंने गणेश जी के रख दिया, मैंने कहा ईश्वर भगवान गणेश जी आप जो करें वो आपके ऊपर है, आप अच्छा करेंगे तो भी आप ही करेंगे, बुरा करेंगे तो भी आप ही करेंगे, मैंने सिर्फ आपको अपनी बात बता दी है। और रियल में वो मेरा लाइफ का ऐसा ही चीज थी कि वहां से जो शुरुआत हुई टचवुड, आज मैं जो भी हूँ उस लेटर के बाद हूँ जी। ये मतलब मैंने उस लेटर में क्या दरअसल देखिए मैम, कुछ पर्सनल हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो चीज है कि मैं एक स्कूल में थोड़ा सा परेशान थी किसी चीज को लेकर, और मुझे लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ऐसा मंजस वाली जो स्थिति थी जी। तो उस जगह मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूं,
एक स्टेज ऐसी आ जाती है हम कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे इनका सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है मेरे लिए। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि भगवान में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप किसी में विश्वास रखेंगे ना तब आपको वहीं से प्राप्ति। बिल्कुल, देखिए मैं एक शक्ति में बहुत विश्वास रखती हूँ, वो किसी भी तरह हो। मैं मंदिर के आगे जाती हूँ तो भी अपने हाथ जोड़ती हूँ, मैं मस्जिद के आगे जाती हूँ तो भी अपना सर झुकाती हूँ, मैं गुरुद्वारे के आगे जाती हूँ तो भी अपना सर झुकाती हूँ। तो मैं मानती हूँ कि कहीं भी है सबका ईश्वर एक है, ईश्वर ने सबको एक ही जैसा बना के भेजा है। सभी के वो दो ही आंखें हैं, सबके एक ही नाक है, सबके दो कान ही है, तो हाँ सबका खून का रंग लाल है। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सब एक जैसे ही है तो सबको आजकल एक प्रॉब्लम तो रहती है, पेट गुड़गुड़ करता रहता है सबका कुछ ना कुछ। और कहते हैं कि पेट ही ऐसी चीज है, ऐसा अंग है हमारे शरीर में कि जहां से सारी बीमार। मुझे लग रहा है कि आज आप सारा जानकर रहेंगे मुझे प्राकृतिक के बारे में। तो प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए, क्योंकि आजकल सभी की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, खान पान ऐसा हो गया सर, सबसे बड़ी बात है कि आज विजातीय द्रव्य का इकट्ठा होना एक नॉर्मल बात हो गई। एक छोटे से छोटा बच्चा खाने के लिए जी चुराता है और वो ही चाहता है कि उसको पिज्जा बर्गर या कुछ हैवी फूड या कुछ इस तरह का खा ले, लेकिन वो उसको उसके जो रिजल्ट है ना वो बाद में आते हैं, पहले नहीं आते हैं। कोई भी चीज अगर हम कचरा डालते हैं, कचरा डालते गए तो 10 दिन बाद 5 दिन बाद उसमें स्मेल आने लगती है, बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। और वही चीज हमारे पेट की स्थिति है। हम बाहर के कूड़े को तो एक बार वाइपर से साफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर के जो पेट में इकट्ठा हो गया उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और उसको निकालने के लिए बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। ये आपको भी पता है कि अगर हमारा पेट खराब हो जाता है तो उस समय जो स्थिति होती है हमारा कहीं मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, कहीं ध्यान नहीं होता, सिर्फ हमारा ध्यान हमारी बॉडी पे होता है। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं है, वो कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, तो जब तक हम अगर शरीर हमारा ठीक नहीं रहता है तो हमारा कहीं भी कोई भी काम में मन नहीं लगता। तो पेट के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन का मतलब ये है कि हमें ज्यादा मिर्च मसाले की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, चपाती यूज करनी चाहिए, घी कभी गलत नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि घी खराब होता है, घी से चुपड़ी हुई रोटी नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए। क्या पहले हम लोग लड्डू नहीं खाते थे सर्दियों में? बिल्कुल। क्या पहले हम लोग रोटी चुपड़ के हमारी मम्मी नहीं दिया करती थी, मतलब बहुत सारा घी लगा के दिया करती थी और हम खाया करते थे, तब तो नुकसान नहीं करता था। सिर्फ तरीका यह है कि आज जो घी आ रहा है उसमें किस चीज की मिलावट आ रही है, दूसरा हम जो तेल यूज कर रहे हैं वो किस तरह का है, किस तरह के हम मिर्च मसाले यूज कर रहे हैं, क्योंकि मिलावट बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है। एक तो होता है कि हम थोड़ी मिलावट और एक होता है 50% मिलावट वाली चीज यूज कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमारा पेट गड़बड़ होना स्वाभाविक है। उसको दूर करने के लिए सिर्फ हमें यह है कि नेचर का सहारा लेना होगा। कैसे? नेचर का सहारा में यह है कि सबसे पहले तो हमें वॉक पे ध्यान देना होगा कि हम फ्रेश हवा लें, और दूसरा हम योगा योगा का सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें। 10 मिनट 5 मिनट जब भी आपको टाइम मिलता है, चाहे मॉर्निंग में मिलता है चाहे इवनिंग में मिलता है। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, मेरी सिस्टर लॉ जो है मेडिटेशन करती हैं, तो उनसे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि हमें सुबह ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जी, कि हमें जो कुछ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को हमें सोते टाइम हमारी क्लीनिंग करनी चाहिए कि आज हमने जो भी गलतियां की हमें क्षमा करना जी, तो क्षमा याचना होती है। तो इस तरह से जो चीज होती है इससे मुझे लगता है कि हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है और उसका हर अंग पे फर्क पड़ता है, चाहे वो पेट हो, चाहे सर हो, चाहे जो भी हमारे शरीर में दर्द हो, हर चीज पर उसका इफेक्ट होता है जी। तो इस चीज को भी मानती हूँ। दूसरा, मैं खान पान के जो तरीका है हमारा उसको चेंज करने के लिए बोलूंगी, सबसे ज्यादा बच्चों को बोलूंगी। इस स्टेज के माध्यम से बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगी कि वो सादा भोजन करें, ना कि वो जो ये फूड हैवी फूड चल रहे हैं उस पर ध्यान दें जी। और स्नेहलता जी, जैसा कि अभी सबको पता है सर्दियों का मौसम चल रहा है जी। सर्दी में जुखाम खांसी ये बहुत आम होता है और ये मैं तरुण इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे भी काफी दिनों से है। तो नेचुरोपैथी में जुखाम खांसी के लिए क्या हम कर सकते हैं घर के उपाय, जिससे बहुत जल्दी और बहुत असरदार उपाय है? देखिए मैम, मैंने नेचुरोपैथी से एक बहुत ही अच्छा एक चीज सीखी है कि रोग हमारे शत्रु नहीं है, रोग हमारे मित्र हैं।
अच्छा कैसे? अगर आपको सर्दी जुकाम भी हो रही है तो ये जी आपके लिए अच्छा है, ये बुरा नहीं है। अगर आपको छींक आ रही है तो आपके अंदर अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है। जी अगर आपको अगर नाक में से पानी आ रहा है तो आपके अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है। अगर आपको कफ आ रहा है तो आपकी गंदगी बाहर निकल रही है। तो ये है कि ये चीज जो अगर हमारे साथ हो रही है इसका मतलब हम नॉर्मल है। अगर हमारे साथ नहीं हो रही और हम निमोनिया का शिकार हो जाते हैं या कोई अस्थमा का शिकार हो जाते हैं तो वो बीमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर छोटी छोटी बीमारी हमारे पास आती रहेगी, जैसे मैंने कहा छोटे छोटे ब्रेकर आते रहेंगे तो हम संभलते रहेंगे, तो ये भी हमारे रोग हैं, ये छोटे छोटे ब्रेकर हैं कि हमें बताते रहते हैं कि तुम ध्यान रखो अपनी बॉडी का, तुम अपने शरीर का ध्यान रखो। देखो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तो ये जो सर्दी जुकाम भी हो रहे हैं आपको चेतावनी दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप थोड़ा कंट्रोल करिए खाने पे, आप संतुलित भोजन लीजिए, आप योगा कीजिए, आप स्वस्थ रहने के लिए वॉक कीजिए, बहुत सारी चीजों को आपको बता रहा है, याद दिला रहा है। तो प्रज्ञा इट्स गुड फॉर यू। अच्छा यहाँ पर आपने जब आपने पढ़ना शुरू करते हैं तो कई चीजें जानने की कोशिश करते हैं, आपने योग में भी डिप्लोमा किया, आयुर्वेद में भी डिप्लोमा किया, तो इस और भी रुझान आपका नेचुरोपैथी के जरिए बढ़ा? हाँ जी, नेचुरोपैथी के बाद ही मेरा ये रुझान बढ़ा कि मेरे एक सर हैं आयुर्वेदिक के, पशुपति जी, तो दरअसल उनके जब पहले मेरा कोई मानस नहीं था लेकिन मैंने उनका एक लेक्चर अटेंड किया और उसके बाद मैंने देखा कि नेचर से तो हम सही कर ही सकते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कुछ घर का इलाज भी लेना पड़ जाता है। जैसे हमने कई बार देखा है कि पेट में दर्द होता है तो हमें वो क्या बोलते हैं मेथी दे दी जाती है, अजवाइन दे दी जाती है, तो ये घरेलू जो उपचार होते हैं ये आयुर्वेदिक में होते हैं सारे। तो उनका जब मैंने लेक्चर सुना और मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी चीज है तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये करना चाहिए जी। तो मैंने साथ में आयुर्वेदिक और योगा दोनों का डिप्लोमा किया जी। और ये तो आपने पढ़ाई चीज की, लेकिन एक काम बहुत अच्छा आप जो कर रहे हैं, आपने जो समाज से लिया वो समाज को दे भी रहे हैं, आप समाज सेविका भी हैं, तो इस और रुझान हुआ और फिर आपने कई ऐसे साक्षरता अभियान भी चलाए अपने समाज सेवा के, जो कुछ ऐसी उपलब्धियां वगैरह जो आप शेयर करना चाहें आज? देखिए सर, कहते हैं कि हमारे अंदर अगर माँ बाप का असर नहीं आया तो बेकार है, तो मेरे अंदर मेरे माँ का बहुत इस चीज में असर आया है, प्रभाव है कि मेरी लाइफ में, कि मैं जब शिक्षा के क्षेत्र में आई तो मुझे लगा कि अब मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकती हूँ। तो वहां पर आते ही मुझे सबसे पहले मिले बच्चे जिनमें मैंने अपना जीवन तराशा, मुझे याद आया मेरा बचपन कि बहुत सारी सिचुएशन हमने ऐसे निकाली कि आर्थिक रूप से तंग थे फीस नहीं होने के कारण, तो जब मैं बच्चों को देखती थी तो मुझे लगता था कि इन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ जो मुझे नहीं मिल पाया जी। तो मैं जब बच्चों के बीच गई तो मुझे लगा कि कुछ 100 बच्चों से हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था और आज 1300 बच्चों पे है स्कूल, तो जब वो 100 बच्चे को मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि ये 100 बच्चे ही क्यों हैं और इसमें भी लड़कियां कम क्यों हैं। मतलब जो रेशो आता था वो आता था कि 25-30 तो लड़कियां हैं और 70 उसमें लड़के हैं, तो मुझे लगता था कि लड़कियों की तरफ रुझान क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो और ज्यादातर लड़कियों को या तो पढ़ाया नहीं जाता था या फिर सरकारी स्कूल में भेज दिया जाता था जहाँ पढ़ाई नहीं होती, तो वो चीज हुआ करती थी। तो मैंने एक सर्वे किया उस समय, मतलब तो मुझे सामने ये आया कि साहब हमारे 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं हमारे, तो हम बेटे को तो पढ़ाएंगे तो बेटा तो कमा के देगा, बेटियां कौन सी कमा के देंगी हमको। तो ये सब चीजें जो साइकोलॉजी थी, तो उसको जाकर मैंने कहा भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, बोले हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम 4 बच्चों को पढ़ा सकें जी। तो मैंने उनको ये बोला कि ठीक है अगर आपकी बेटी फ्री पढ़े तो आपको कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि हमें क्या परेशानी होगी, पढ़ाओ आप जी। तो धीरे धीरे भेजना चालू किया हमने लड़कियों को फ्री शिक्षा देनी, हाँ फ्री शिक्षा, मतलब बहुत नहीं थोड़ी थोड़ी, जैसे किसी के 2 लड़कियां हैं तो मैंने कहा एक लड़की को मैं फ्री पढ़ा दूंगी, एक की फीस दे देना, इस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया और लड़कियों की स्ट्रेंथ में बढ़ने लगी स्ट्रेंथ। उसके बाद बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो माइनॉरिटी एरिया है जी। और मुस्लिम समाज में लड़कियों को ज्यादा आजादी नहीं है, इस चक्कर में पढ़ाते कम है, तो मैं उनके पास जाने लगी भाई आपको कहाँ परेशानी तो आप है। यहाँ पर आपने बच्चियों को भी पढ़ना, मतलब जो है 21 कन्याओं को भी पढ़ाने का, ये सारी चीजें आपने जब बढ़ने लगे तो ये एक समाज में आप अच्छा काम किया, साक्षरता अभियान के लिए भी आपने काम किया, जरा उसके बारे में। हाँ, साक्षरता का ये है कि दरअसल जब मैं
बाहर निकलती थी तो बहुत सारी औरतें आती थी और जिनके बच्चों की मम्मी आती वो आती थी और बोलती थी माँ ने पढ़ा वो सिखा दो मैडम। तो मैं बोलती थी भाई आ जाओ मन का दिक्कत बोलो था ना काय पढ़नो चाहे। तो वो बोलती थी कि आप ना हमें सिर्फ किताब पढ़ना सिखा दो। एक दुकान चलाती थी एक महिला तो बोले मुझे हिसाब करना सिखा दो, मुझे ऐसे सिखा दो कि अगर 100 रुपए मैं लेती हूँ तो इतने रुपए का सामान देती हूँ तो मुझे वापस कितना देना चाहिए। जी तो बहुत सारी महिलाएं, तो मैंने सबसे पहला कदम जो स्टार्ट किया वो पहले कदम के नाम से ही स्टार्ट किया और एक जी पंपलेट छपवाया और अपने एरिया में बंटवाया कि जो भी महिला पढ़ी लिखी नहीं है जिसको भी पढ़ने की रुचि है जी जो पढ़ना चाहती हैं वो प्लीज मेरी क्लासेस ज्वाइन करें। जी तो इस तरह से मैंने वो पंपलेट डिजाइन किया। उसके बाद मेरे पास 45 महिलाएं आई, जी मतलब पहली जो मेरी क्लास थी वो 45 महिलाओं की थी। तो मैं एक बार के लिए शौक रह गई कि लोग मतलब लेडीजों में इंटरेस्ट है पढ़ने जी का, जी सिर्फ उन्हें मिल नहीं पा रही है, मतलब सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं या जी उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो वो 45 लोगों से जब मैंने स्टार्ट करी तो आप यकीन मानिए मैंने उनको इंग्लिश में उनके नाम लिखने भी सिखाए, क्या उनकी बात है, फैमिली के नाम लिखने भी सिखाए, उस जो लेडीज परचूनी की दुकान करती थी उसको हिसाब करना भी सिखाया बिल्कुल जी। उसी की भाषा तो में। आपने उनकी लाइफ में एड ऑन किया और अच्छा है, उनकी लाइफ अब ठीक हो गई। यहाँ पर आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, और जैसा कि सुबह का वक्त है और फिटनेस की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जब हम फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। तो चलिए बिल्कुल कहते हैं कि फिट पावर योगा। योगा। तो दोस्तों की फिट पावर योगा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कितना जरूरी है हम सभी के लिए फिट रहना। जी तो सुप्रभात धरती धुरारी की इस मंच पर फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज। डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे थे फिट रहने की और आपके जीवन से रिलेटेड हम बातें कर रहे थे, आप ही के जीवन की बातें हम कर रहे थे। अभी तरुण ने बताया था कि आप एक समाज सेविका भी हैं, इतने जी सारे आप काम करती हैं, समाज सेवा करती हैं, आपका खुद का एक एनजीओ है स्नेह फाउंडेशन के नाम से। हाँ जी क्या मेन काम है इस एनजीओ का जो आप समाज को दे रही हैं इस एनजीओ के माध्यम से? देखिए मैम काम तो मैं पहले से ही कर रही हूँ, फाउंडेशन तो अभी बनाया है मैंने। फाउंडेशन का मकसद सिर्फ ये है कि लोग हमसे जुड़ें जी और जो असहाय निसहाय हैं उनकी मदद हो सके, सिर्फ ये मकसद है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। और सबसे मेन है मेरा शिक्षकों के पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, बिल्कुल जी सही जो मेरा एक मैंने अपना उद्देश्य बना रखा है वो यही बना रखा है कि शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाना। और वो ही मैंने बताया कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, जी तो उसको लेकर हमारा अभियान है कि मैं चाहती हूँ कि हर महिला पढ़े, हर बिल्कुल बच्चा पढ़े और हमारा पूरा देश पढ़ाई करे। तो शिक्षा क्या अगर बढ़ेगी तो देश का विकास होगा, जी बिल्कुल तो उसी मकसद को लेकर बाकी काम बहुत सारे हो रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी हो रहे हैं, बच्चों के लिए भी हो रहे हैं, महिलाओं के लिए भी हो रहे हैं। सर्दियों में कंबल भी बांटे जा रहे हैं तो और भी बहुत सारे तो कार्य किए इतने जा रहे सारे हैं। कार्य के बीच में जब परिवार की बात आ जाती है, तब क्योंकि बिल्कुल आप आयुर्वेद को भी जानती हैं, योग को भी जानती हैं, तो आप घर में फिटनेस का माहौल भी रखती होंगी, और आयुर्वेद की बात करते हैं हाँ तो महिलाओं की किचन नज़र आने लगती है, तो वहाँ पे आयुर्वेद की बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हाँ हल्दी जी हाँ मिल जी जाती है, अदरक मिल जाती है, बिल्कुल एवरीथिंग इज़ देयर। तो आपकी किचन में आपका जब राज चलता है तो वहाँ क्या ऐसी चीज़ें पकती हैं जो घर को बहुत पसंद है? देखिए मेरी पसंद, मैं बहुत चूजी हूँ खाने के मामले में जी तो मेरी पसंद ही चलती है जी पता चल ज्यादातर रहा मेरी पसंद ही चलती है। तो मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है जी और जब भी मैं फ्री होती हूँ कढ़ी चावल के बारे में ही सोच लेती हूँ और कढ़ी चावल जी बनाने लग जाती हूँ। जी तो ये है। और रही बात खाने की, तो जैसा बच्चे बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग खाना तैयार हो जाता है। और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ ये आपको बता देती हूँ जी कि खाने के मामले में मेरे फादर लॉ हमेशा ये कहा करते हैं कि मेरा नाम घर में गुड़िया है तो हमेशा ये कहा करते हैं कि गुड़िया के हाथ का खाना खा लेगा वो दोबारा जरूर खाने खाने जी आएगा। बहुत बढ़िया। तो और ये कढ़ी चीज चावल की बात चली तो हाँ तरुण मैं बताऊं कल रात को मैंने भी कढ़ी चावल ही बनाए थे घर लेकिन मुझे मुझे यहाँ पर अगर खाने की बात चलती तो मंचूरियन वगैरह और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। अच्छा और स्नेहा जी आप जो इतना सारा काम कर रही हैं हाँ जी इस काम के करने के लिए जो एक शक्ति चाहिए होती है वो शक्ति हमें मिलती है अपनों से। बिल्कुल जब तक हमारे अपनों का सहयोग ना हो, सपोर्ट ना हो, हम शायद आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में। आपके जीवन के जिस मुकाम पर आप हैं उसके देखिए पीछे किन-किन का हाँ आप हाथ मानती हैं? मैं सीधी सी बात करना चाहती हूँ, महिला में इतनी शक्ति होती है कि वो आगे बढ़ सकती है बिल्कुल लेकिन
अगर उसे सपोर्ट मिलता है तो खुशी खुशी आज मेरे चेहरे पर जो भी स्माइल है जी वो सपोर्ट की वजह से ही है। जी आज मैं बैठ भी जाती हूँ, सुस्त होकर आपको बातें भी बताती, मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में वो हुआ, और मैं आगे बढ़कर यहाँ बैठ सकती थी, लेकिन आज जो मैं हंस रही हूँ, जो मैं मुस्कुरा रही हूँ, जी ये सिर्फ उन सपोर्टर्स की देन है। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो मेरे हस्बैंड का आता है जी। कि आज मैं जो भी खुश हूँ, जो भी मेरे चेहरे पर हंसी है, ये उनकी वजह से है। दूसरा मेरे बच्चे, मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत सेक्रीफाइस किया, क्योंकि मैं इतने काम करती हूँ तो उनको टाइम, उनका टाइम पूरा नहीं दे पाती हूँ, जी जब भी इतना टाइम मैं और चीजों में दे पाती हूँ। आज मैं अगर उनको 5 घंटे देती हूँ तो मैं उन्हें 2 घंटे दे पाती हूँ। तो मेरे बच्चों का जो सहयोग रहा है, योगदान रहा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज और मेरी सबसे बड़ी ये मान ली मजबूती रही है जी कि वो जब भी मैं निकलती हूँ मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। अभी मैं आ रही थी तो भी उन्होंने मुझे उठकर सुबह बोला बेस्ट ऑफ लक मम्मी, बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से बात करना, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलना। तो जो उन लोगों से मुझे सब मिलती है सपोर्ट, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने बहुत रखती बढ़िया। है। और इन जी सब के बाद में जब फुर्सत के कभी कुछ पल मिलते हैं तो तरुण, हमको पता चला इनको गुनगुनाना भी बहुत पसंद है। तो अभी जैसा कि अब समय भी हमारे को चलने के लिए कह रहा है, तो बिल्कुल चलते चलते क्या गुनगुनाना चाहेंगे? एक गाना गुनगुनाना चाहूंगी, और ये सिर्फ उससे संदेश देना चाहूंगी कि जिंदगी में जरूरी नहीं है हमें सब कुछ मिले, लेकिन जो मिल रहा है वो भी बहुत कुछ मिल रहा है, जी जो प्राप्त है वो भी बिल्कुल पर्याप्त है हमारे जी, लिए। क्या बात। तो उसी के लिए मैं एक सॉन्ग गाना चाहूंगी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। नहीं बहुत मिलता, बढ़िया जी जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है, कहीं जुबां तो कहीं हम जुबां क्या बात है, नहीं बहुत खूबसूरत गाया मिलता। आपने, और ये थैंक दिल की यू। बातें सब तक पहुंची, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप यूं ही करते रहें। आप यहाँ पर सुप्रभात धरती धरती पर आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। चिन्हलता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। धन्यवाद सर, आपने बुलाया, आपने इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रज्ञा, आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल। न्यूज़ की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले लोकगीत की ओर चलते हैं, और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास। और प्रज्ञा को नमस्कार। नमस्कार।